गाइस मैं हूं अभी गया में और ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये है रबर डैम जो कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। और इसकी जो लंबाई है ना, 411 मीटर लंबाई है और 95 मीटर ये चौड़ा। इसमें 312 करोड़ रुपए खर्च लगे थे बिहार सरकार को। इसका मेन काम क्या है कि फल्गु नदी की पानी को ये रोक कर रखेगा। और ये जो रबर डैम है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत दूर में, वो मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसा है रबर डैम। इसका मुख्य काम यही है कि ये फल्गु नदी का जो श्राप मिला हुआ है, पानी नहीं रुकती यहाँ पे, उस पानी को ये काम चलाऊ, थोड़ा बहुत पानी रोक के रखता है ताकि जो है सो लोगों को दिक्कत ना हो। श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे, प्रतिपक मेला वगैरह भी लगता है और भी जो विष्णुपद टेम्पल है और भी लोग गया चुकी, बहुत ही प्राचीन शहर में से एक है। तो ये जो जगह है ना, ये रबर डैम है, पीछे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज ये सीता पुल है, माँ सीता पुल, और इस डैम का नाम है गया जी डैम। लेकिन एक्चुअली में ये वो रबर डैम है जो कि मात्र भारत में एक ही है, 400 कुछ मीटर का, जो कि मैंने वीडियो में बताया है आपको। ऐसे फिर बता देता हूँ आपको कितना है। इसकी लंबाई 411 मीटर है और 95 मीटर चौड़ी है ये रबर डैम। और ये भारत में पहला इतना लंबा जो है बड़ा रबर डैम है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं हूँ ट्रैवलर कनक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक फॉलो सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अब हम चलते हैं सीता पुल पे। गाइज मैं हूँ माँ सीता सेतु और देख सकते हो आप कि मैं उसी सेतु पे हूँ। मुख्य अर्थ यही है कि जब मतलब पानी आती है तो ये रबड़ का होता है वो फूल जाता है पानी हवा के मिक्सचर से, और उसके बाद पानी रुक जाता है, मतलब पानी के रास्ते में रबड़ डैम ऊंचा हो जाता है तो पानी जो है रुक जाता है रबड़ डैम में, यही इसका तकनीक है। डैम है ना, ये 3 मीटर पानी को स्टोर रख सकता है फल्गु नदी में। और आप देख सकते हो ये रबड़ डैम है और इसका नाम जो है ना गया जी रखा गया है रबड़ डैम का नाम।